खरगोन जिले के सेगांव में आज जनपद पंचायत में क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को लेकर आवश्यक बैठक की। इस मौके पर एडवोकेट शांतिलाल पाटीदार, प्रभारी तहसीलदार राकेश बड्डे, जनपद सीईओ महेश पाटीदार, बीएमओ डॉक्टर मनीषा मंडलोई, चौकी प्रभारी राजेंद्र आवासे सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बैठक में विधायक डावर ने बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को लेकर चिंता जताते हुए कोरोना के मरीजों के स्थानीय छात्रावासों में कोविड सेंटर खोलने की बात कही। वहीं लोगों से घर पर रहने और मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। बैठक किस बात की ली गई? ये कोरोना महामारी के संबंध में आज व्यवस्था के संबंध में आज सेगांव ब्लॉक में हमारे सभी अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। यहाँ की व्यवस्था क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये कोविड 19 का वायरस फैल रहा है और हमारे लोगों के यहीं इलाज मिले, इस बाबत यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना। आपने भगवानपुरा में कोविड सेंटर खुलवाया, यहाँ पर क्या योजना आपकी? यहाँ के भी कोविड सेंटर भगवानपुरा, नाम केवल भगवानपुरा छपा है लेकिन भगवानपुरा सेगांव दोनों ब्लॉक मुख्यालय पर वहाँ की बैठक में ये तय हुआ है। और यहाँ की व्यवस्था आज ये हॉस्टल को भी कोविड सेंटर बनाने के लिए सीओ साहब, तहसीलदार साहब और डीएमओ ने निरीक्षण कर लिया है। वहाँ 50-50 बेडों की व्यवस्था करने की तैयारी चल रही है और यहाँ के जो डॉक्टर स्टाफ और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के अमला है जिसको खरगोन शिफ्ट कर लिया है उसको भी हम ये सेंटर चालू होता है तो यहाँ हमको तकलीफ पड़ेगी, उनको भी यहाँ वापस लाने की बात करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।